नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव को लेकर तमाम असमंजस और आशंकाओं के बीच कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भर दिया। राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इसी बीच जोगी कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा ने मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के चुनाव में बॉलीवुड की फिल्मी कहानी की तरह सस्पेंस और ड्रामा का सीन गहराता जा रहा है। जब राज्यसभा चुनाव की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, तब कयासों के दौर में कई नाम उछाले गए, जिसमें सबसे पहला नाम प्रियंका गांधी का आया। इसी बीच प्रदेश में स्थानीय बनाम बाहरी का सियासी खेल खेल रही सूबे की दोनों प्रमुख पार्टी बीजेपी और कांग्रेस राजनीति पिच पर नूरा कुश्ती में जुटी रही। इस बीच कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि राज्यसभा का उम्मीदवार स्थानीय को ही बनाया जाएगा। चर्चाओं का बाजार और गर्म हुआ और दुख से कांग्रेस जिला अध्यक्ष रही तुलसी साहू का नाम सामने आ गया, जिसको ओबीसी पिछड़ा और दलित तमाम कार्ड से जोड़कर देखा जाने लगा। वहीं सियासी गलियारे में तुलसी साहू के साथ प्रियंका गांधी का नाम एक बार फिर उछला। अभी इन दोनों नामों पर चर्चाएं शुरू हुई थी कि कहानी में जोरदार ट्विस्ट आया और आलाकमान ने तमाम प्रदेशों से अपने राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, जिसमें राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन का नाम तय हो गया। विपक्ष की आक्रामक घेराबंदी और पार्टी में कुछ नेताओं की कुलबुलाहट के बीच आखिरकार ये स्वीकार कर लिया गया कि राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन ही दावेदार होंगे। नॉमिनेशन भी हो गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा से दो सदस्यों को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होना है। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी श्री राजीव शुक्ला जी, श्रीमती रंजीत रंजन जी ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा और सी सेट में नामांकन हुए। हमारे विधायक प्रस्तावक के रूप में उपस्थित थे। इन दोनों की जीत और इनका शपथ ग्रहण महज औपचारिकता नजर आने लगी। इस बीच विपक्ष का बाहरी को लेकर जुबानी हमला जारी है। छत्तीसगढ़ में इनके पास न कोई प्रतिभा है, न योग्य व्यक्ति है, न उस श्रेणी का व्यक्ति है जिसको राष्ट्रपति भेज सके, ऐसा लगता है। छत्तीसगढ़ियों का इससे बड़ा अपमान और कुछ नहीं हो सकता कि एक नहीं, दो नहीं, चार चार राज्यसभा लगातार, मैं जब से देख रहा हूँ मोहसिना किदवई से शुरू करके तुलसी को हमारे छत्तीसगढ़ में रोपा गया है, तुलसी जी आ गए वकील साहब, उसके बाद ये दो लोग आ गए, बाहुबली को भी छत्तीसगढ़ में लाया जा रहा है, क्रिकेट के शुक्ला जी को लाया जा रहा है। तो अजीब बात यह है कि जो छत्तीसगढ़िया मान सम्मान और गौरव की बात करते हैं भूपेश बघेल जी, ये छत्तीसगढ़ के मान सम्मान और गौरव कहाँ चला गया है? राज्यसभा में जब भारतीय जनता कांग्रेस को कोई स्थान नहीं मिल रहा है, ये इनकी क्या बकत है दिल्ली में, ये समझ में आता है। अपर हाउस है, अपर हाउस में पूरे राष्ट्र की जो समस्या है, देश के अंदर की समस्या भी है और देश के बाहर की समस्या भी, देश के संबंध है, रक्षा नीति, सब में चर्चा होती है। तो हमारे तरफ से दोनों सदस्य यहाँ से निर्वाचित होकर जाएंगे और क्योंकि पहले भी इनका अनुभव रहा है लोकसभा सदस्य के रूप में, राज्यसभा सदस्य के रूप में, मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में लंबा अनुभव है, मैं समझता हूँ इसका लाभ मिलेगा। कहानी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक बार फिर एक नए किरदार ने राज्यसभा चुनाव की इस कहानी में एंट्री मारी और जोगी कांग्रेस ने पूर्व मंत्री हरिदास भारद्वाज को मैदान में उतारने की घोषणा कर दी। इनके लिए रेणु जोगी, धर्मजीत सिंह और प्रमोद शर्मा को प्रस्तावक बना दिया गया। अब राज्यसभा चुनाव की ये कहानी फिलहाल ट्रायंगल नजर आ रही है, लव ट्रायंगल नहीं, पॉलिटिकल ट्रायंगल। अब देखना है कहानी कयासों के मुताबिक खत्म होती है या एक कोई और नया ट्विस्ट आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सबसे बड़ा सवाल आखिर यहीं खड़ा होता है कि क्या क्लाइमेक्स अभी बाकी है। और अधिक चर्चा के लिए हम सीधे राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं, जहां पर मेरी सहयोगी ममता लांजी बाजवा रही लाइव। ममता, कांग्रेस की तरफ से दो प्रत्याशियों उम्मीदवारों का नाम सामने आया, उन्होंने नामांकन भी भर दिया और ऐसा लग रहा था कि पिक्चर शुरू हुई और पिक्चर खत्म हो गई, लेकिन जोगी कांग्रेस की एंट्री हो जाने के बाद सवाल अब खड़ा होता है कि क्या पिक्चर का क्लाइमेक्स अभी बाकी है।
देखिए कल स्क्रूटनी होनी है और स्क्रूटनी के बाद पता चलेगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी ने तो नामांकन भर दिया है, दाखिल कर दिया है, लेकिन इसको लेकर जो कानून बताया गया है, जिस तरीके से योगी कांग्रेस के जो नेता है वो बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो राष्ट्रीय पार्टी होती है, क्योंकि बाकी अभी तक ये कहा जा रहा था कि 5 प्रस्तावक जो है 10 जो है वो की संख्या होनी चाहिए एक तरह से कहें कि नॉमिनेशन के लिए जो आपके साथ हो, लेकिन अब अगर हम बात करें तो योगी कांग्रेस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के नॉर्म्स ये कहते हैं कि अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी है तो उसको जो है जितनी संख्या उनकी हाउस में है उसके 3% ही जो है वो समर्थक चाहिए होते हैं, और यही वजह है कि उन्होंने ये नामांकन दाखिल किया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तो गाइडलाइंस है, कल जब स्क्रूटनी होती है तो अगर हम बात करें तो विधानसभा के भीतर इसको किस तरीके से जो है वो माना जाता है और किस तरीके से इसके क्या दूसरे मायने तो नहीं निकलते हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि वो राज्यसभा का चुनाव लड़ पाते हैं योगी कांग्रेस के प्रत्याशी या फिर खारिज कर दिए जाते हैं। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं एक ट्विस्ट तो आ ही गया है। अभी तक ये माना जा रहा था, चूंकि बीजेपी ने अपना कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किया था, तो ऐसे में माना जा रहा था कि सिर्फ एक औपचारिकता है, अब राज्यसभा के चुनाव के नतीजों की घोषणा को लेकर राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन जो है वो एक तरह से राज्यसभा के जो सदस्य मनोनीत हो ही गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जब योगी कांग्रेस के लोग आए थे तो उसके बाद में किस तरह की चीजें स्पष्ट होती है, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उनका ऐसा कहना था कि चूंकि छत्तीसगढ़ियों का जिस तरीके से हक मारा गया तो इस यही वजह है कि अब वो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ियों के लिए वो खड़ा होना चाहते हैं। देखना ये होगा कि क्या उन्हें मौका मिलता है। उनका ऐसा दावा था कि बीजेपी नहीं कांग्रेस के भी विधायक अगर वोटिंग होगी तो वो उनके साथ होंगे। तो सवाल पहली बात यह है कि क्या उनका नामांकन रहता है या फिर कल खारिज होता है, और यदि खारिज नहीं होता है तो फिर उसके बाद तो पिक्चर किस तरह की होगी ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ठीक बात कही ममता, बने रही हमारे साथ। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि अगर स्क्रूटनी के बाद फाइनल होगा कि चुनाव होंगे या नहीं या फिर निर्विरोध ही चुने जाएंगे, तो और अधिक चर्चा के लिए बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। संजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप राज्यसभा चुनाव में योगी कांग्रेस की एंट्री? देखिये, विशेष रूप से राज्यसभा में योगी कांग्रेस की एंट्री, अब योगी कांग्रेस ही इस पर अपना वक्तव्य दे सकती है। इसके जो बहुमत है, जितना एक सीट जीतने के लिए राज्यसभा से चुनने के लिए जितनी आवश्यकता होती है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद 10 सीटों की आवश्यकता, 10% की आवश्यकता होती है, वो शायद फुलफिल योगी कांग्रेस नहीं कर रही है। लेकिन ये उनका अपना उनका मत है, उनको चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना है, तो मुझे लगता है कि बेहतर है कि योगी कांग्रेस ही इस पर जवाब दे। मुझे ऐसा लगता है कि इसके परिणाम बहुत कुछ नहीं आने हैं, लेकिन अब उनका विषय, उनकी सोच हो सकती है, पार्टी की सोच हो सकती है कि वो किन कारणों से इस राज्यसभा में कंटेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत संभावना नहीं है, ये कहीं किसी प्रकार का कोई बड़ा विषय नहीं है। ठीक है, कांग्रेस के नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन जी, आपका स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। किस तरीके से देखते हैं आप राज्यसभा चुनाव में योगी कांग्रेस की एंट्री को? ये कौन सी एंट्री है? ये तो कोई एंट्री ही नहीं है। 3 विधायक हो जिस पार्टी के, वो यदि नॉमिनेशन करें तो वो तो टाइम पास जैसा फील होता है मुझे तो, कि भाई आपको जब पता ही है कि वहां पर आप कुछ कर तो सकते नहीं, उल्टा वोटिंग खराब करना है अपना। और मुझे तो ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में तो नहीं, पर अखबारों और मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा किया गया हो। नितिन जी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचकर तो इस पार्टी ने, योगी कांग्रेस ने नामांकन दाखिल करवाया होगा, कहीं ना कहीं उम्मीदवार बनाया होगा, और स्क्रूटनी के बाद ही फैसला होगा कि अब इलेक्शन चुनाव होंगे या नहीं होंगे। मुझे आप बताइए, संख्या बल के आधार पर कहां से ये क्या सोचा होगा और क्या किया होगा, ये कोई बोलने की सोचने की ही बात नहीं है। बिल्कुल एक तरफा दोनों सीट जो है वो कांग्रेस के पक्ष में है, और मैंने जैसा कि कहा कि अखबारों में और टीवी चैनल्स की सुर्खियों में बने रहने के लिए इन्होंने नामांकन किया है, बाकी कोई वजह नहीं। बिल्कुल संजय जी, आपको भी यही लगता है जैसा कि नितिन जी कह रहे हैं कि अखबारों में, न्यूज चैनल में सुर्खियां बटोरने के लिए जो कि कांग्रेस ऐसा कर रही है? संजय जी, हेलो, बात कर रहा हूँ। हेलो जी संजय जी, मेरी आवाज आप तक आ रही क्या? तो मुझे ऐसा लगता है जी, अब ये कांग्रेस का मत हो सकता है कि सुर्खियों में बने रहने का, क्योंकि ऐसे मौके तो देश में कांग्रेस के सामने भी आते हैं, तो मुझे लगता है इस पर इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। नितिन भंसाली जी वैसे भी पहले योगी कांग्रेस में रहे हैं, तो उनको शायद ज्यादा जानकारी हो सकती है कि योगी कांग्रेस का क्या हालचाल है या योगी कांग्रेस क्या विचार करती है। मुझे लगता है
कि उसमें बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं, अपने अपने निर्णय है, अपनी अपनी चीजें हैं, अपने विषय को रखा जा सकता है। कम से कम ये स्थिति तो नहीं है कांग्रेस जैसे कि बाहर से लाकर यहाँ पर बैठा दिया, तमाम छत्तीसगढ़ियावाद की बात करने वाले लोग आज दो बाहरी प्रत्याशी यहाँ पर बनाए हैं। आज से कांग्रेस अपनी नैतिकता खो दी है कि छत्तीसगढ़ के हित में बात करनी है, छत्तीसगढ़ियावाद की बात करने की। ये केवल छत्तीसगढ़ के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम इन्होंने किया है भौरा बाटी खेल के, लेकिन जब सम्मान देना है तो छत्तीसगढ़िया गोल है। दो बाहरी यूपी और बिहार से लाकर इन्होंने छत्तीसगढ़ के सिर पर बैठाया, इससे ज्यादा अपमान आज छत्तीसगढ़ का नहीं हो सकता। राज्यसभा के सांसद चुने जाए उनको बधाई है, लेकिन एक वाद का जो स्वरूप जो गोल कुछ करते थे कि हाँ मैं असली ही छत्तीसगढ़िया हूँ, मैं किसान का पुत्र हूँ, आज वो तमाम जो नैतिकता है भूपेश बघेल ने समाप्त कर दिया, खो दिया। नितिन जी बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा कांग्रेस को अगर योगी कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ पर आते हैं निश्चित तौर पर, और कहीं न कहीं लेकिन जो बाहरी प्रत्याशी हैं, बाहरी उम्मीदवार हैं, उसको लेकर बीजेपी लगातार मुखर है और अभी भी आक्रामक है आप पर। नितिन जी के पास मुद्दा है, अब कुछ नहीं तो हम किसको राज्यसभा में भेज रहे हैं, किसको नहीं भेज रहे हैं, ये भी मुझे लगता है कि सुर्खियां बटोरने के लिए ही कुछ न कुछ कर रहे हैं, क्योंकि मुझसे इनके पास बचे नहीं है। मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी की अपनी लिस्ट थोड़ी हाथ उठा ले, संजय श्रीवास्तव जी को कहिए कि वो लिस्ट लेके बैठे, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची देख ले कौन कौन से प्रदेश से है और किन किन स्थितियों में उनको वहां लिया गया है। अब मैं इस बारे में बताऊं आपको कि राज्यसभा जो है उसमें तो ये एक क्राइटेरिया है कि वो देश का नागरिक होना चाहिए, नागरिक है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि भाई वो व्यक्ति यहाँ से राज्यसभा में नहीं जा सकता। देखिए अनुभव है, राजीव शुक्ला जी जो है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो तीन तीन बार के सांसद हैं, उन्हें अनुभव है। बहन जो हमारी है रंजीता रंजन जी निर्वाचित सांसद रह चुकी हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और अनुभव वाली बात जहां पर आ रही है तो बिल्कुल अनुभव वाले लोगों को राज्यसभा से बिल्कुल भेजा गया है। और छत्तीसगढ़ के विषय में जो भाजपा के प्रवक्ता जो चीजें या जो बातें कह रहे हैं उन्हें कहने का तो कोई अधिकार ही नहीं है, उसको खुद की पहले वो अपनी विधानसभा में स्थिति देख ले कि क्या है। अब तो ले देखे एक राज्यसभा की सीट बची है जो मुझे लगता है डेढ़ साल या दो साल बाद उनका कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, तो वो भी छत्तीसगढ़ की झोली में ही आएगी, वो उस चीज की चिंता करें तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल जितिन जी, तो अब योगी कांग्रेस को आप बिल्कुल भी चुनौती के तौर पर नहीं लेते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में? चुनौती ही नहीं है, अपना वोट खराब करना है उन्हें, कोई चुनौती नहीं है, बिल्कुल एक तरफा कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी राज्यसभा से चुनकर छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा के लिए तत्पर है। ठीक है, संजय श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे आप, फाइनल कमेंट आपका? सेवा कर लिया इनके एक राज्यसभा सदस्य दो साल पहले केटीएस स्कूल से, इनको जयस्तम चौक पर खड़ा करेगा तो एक आदमी शायद कांग्रेसी भी नहीं पहचान पाएगा कि एक राज्यसभा सांसद जो केटीएस कुलसी यहाँ से गए हैं। एक्चुअली ऐसा है, ये तमाम प्रकार के अधिकार की बात कर रहे थे, तो जो भी कांग्रेस को भी अधिकार है अपने प्रत्याशी को खड़ा करने का, आप उस पर आपत्ति या आप क्यों कर रहे हैं कि प्रचार प्रसार के लिए कर रहे हैं? तो मुझे लगता है ये छत्तीसगढ़ियावाद उस पर गवाल नहीं दे रहे हैं, बात ये नहीं, वो तो सबको मालूम है कि दूसरे प्रदेश के लोग जाते हैं, लेकिन आपका जो चेहरा था और आपकी जो डिमांड थी कि नहीं हम तो छत्तीसगढ़िया ही भेजेंगे, छत्तीसगढ़ के व्यक्ति ही नेतृत्व तो करेंगे। देखिए ऐसा है कांग्रेस में हो गया है, कांग्रेस की जो रीत नीति है, जोगी जी के समय वन मैन जोगी, इस समय वन मैन भूपेश, मैं मुख्यमंत्री बना, अब कोई राज्यसभा कहीं किसी को भेजने की आवश्यकता नहीं। सरोज पांडे जी की चौथी सीट की चिंता कर रहे हैं, यदि मान लीजिए कांग्रेस को भी आती है तो ये भी जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री की कुर्सी जो ढाई साल की बटी है उसका पेमेंट हो रहा है, भुगतान हो रहा है कि अब उनको राज्यसभा की बाहरी सीट देना पड़ रहा है, कुर्सी को बचाना है भूपेश बघेल जी को, नहीं तो भूपेश बघेल जी की कुर्सी अपने गिरवान को कम से कम झांके की क्या वो कम से कम छत्तीसगढ़ियावाद के, तो खैर अब ये बोल ही नहीं सकते, नैतिकता समाप्त कर दिए है। अरे जब विधानसभा के राज्यसभा के और आने वाले लोकसभा के भी नहीं रहेंगे, प्रारंभ हो गया है, कुर्सी बचाने का कार्यक्रम चालू हो गया, ध्यान दीजिए आप, बहुत जरूरी है अभी आपके कार्यकर्ता उठे हुए, परेशान मत हो, कम से कम बोलो एक आध आदमी तो भेज देते भैया किसी छत्तीसगढ़ को, जय भोरा पार्टी गेड़ी एड़ी वो सब कर लेंगे, अभी आदमी भेजो छत्तीसगढ़ का सम्मान के लिए, आप जानते नहीं कौन है पप्पू यादव की पत्नी को, कोई जानता नहीं है, ये स्थिति है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की स्पीच नहीं सुनी है, आप नहीं जानते कि वो महिला कैसे देश के हितों के लिए लड़ती है, आप कैसे ये बोल सकते हैं कि कोई नहीं जानता उन्हें।
ठीक है नितिन जी, नितिन जी अब एक सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस ने कभी सोचा था कि जोगी कांग्रेस भी इस चुनावी मैदान में उतर सकती है? अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए ये? हम मानते ही नहीं है कि जो भी कांग्रेस चुनाव में उतरे ना उतरे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैंने जब कहा कि हमें कोई वास्ता ही नहीं है, उन्होंने अपना कैंडिडेट भी दे दिया, तो तीन वोट जिसके पास है वो क्या कर सकते हैं, मुझे बताइए। इस विषय में मुझे लगता है चर्चा करना ही व्यर्थ। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका नितिन जी जुड़ने के लिए, और संजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। ममता भी हमारे साथ जुड़ी, ममता आपका भी बहुत धन्यवाद। आइए अब एक नजर टॉप 20